सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं फॉर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल गुरु वीके चैनल में। तो हम पढ़ रहे थे PLSQL, तो उसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि C++, जावा, PHP सभी लैंग्वेज में लूपिंग स्टेटमेंट यूज होते हैं, उसी प्रकार जो PLSQL लैंग्वेज है उसमें भी हम लूप्स यूज करते हैं। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं जो कि किसी एक पार्ट को बार बार रिपीट करते हैं जब तक कि कोई कंडीशन फॉल्स न हो जाए, तब तक वे किसी पार्ट को रिपीट करते हैं। तो हम PLSQL में भी लूप्स यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका सिंटैक्स C++ से डिफरेंट होगा। तो विद लूपिंग ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। लूप्स की सहायता से एक सीक्वेंस ऑफ लूप्स हम एग्जीक्यूट करते हैं। लूप कीवर्ड इज प्लेस इन स्टार्टिंग ऑफ लूप। लूप कीवर्ड है वह हम जब भी हम PLSQL में स्टेटमेंट लिखेंगे, लूप्स यूज करेंगे, तो लूप कीवर्ड पहले यूज किया जाएगा, फिर स्टार्टिंग में लूप कीवर्ड यूज किया जाएगा, और जब भी लूप का एंड होगा तो एंड लूप कीवर्ड प्लेस किया जाएगा एंड ऑफ द लूप। तो देयर आर 3 मैन लूप्स। यहां पे 3 मैन लूप होते हैं PLSQL में। एक तो है लूप, एंड लूप, दूसरा है फॉर लूप, और थर्ड है व्हाइल लूप। तो तीनों लूप हम एक एक करके देखेंगे। पहला लूप है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या होता है? इन दिस लूप द रिपीटेशन डिपेंड्स अपॉन ए कंडीशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू इट विल रिपीट ऑल द स्टेटमेंट्स रिटन बिटवीन द लूप एंड एंड लूप, अदरवाइज रिपीटेशन विल स्टॉप। व्हाइल लूप में व्हाइल लूप का जब एग्जीक्यूशन होगा तो एक कंडीशन भी डिपेंड करेगा। सबसे पहले उसमें कंडीशन चेक होगी, उसके बाद में लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। यदि इनिशियल लेवल पे ही आपका लूप यदि कंडीशन है बट फॉल्स हो जाती है तो लूप है वह एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए व्हाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन सबसे पहले चेक होती है, उसके बाद में लूप बॉडी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो ये व्हाइल लूप होता है। अब व्हाइल लूप का इसमें सिंटेक्स कैसे होता है वह हम देखते हैं। इसमें व्हाइल लूप का सिंटेक्स ऐसे होगा, पहले लिखेंगे व्हाइल कीवर्ड, उसके बाद में कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद में लूप कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद में लूप बॉडी, उसके बाद में एंड लूप, ठीक है। जैसा मैंने बताया था कि इसमें इनिशियल लेवल पे लूप लिखा जाता है और जब लूप का एंड होता है तो एंड लूप यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाइल, उसके बाद में कंडीशन लिखा, ये लूप चलेगा जब तक आई की वैल्यू 5 के लेस देन या इक्वल होगी तब तक चलेगा। फिर लूप कीवर्ड, फिर कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराना हो तो हम PLSQL में DBMS_output.put_line ये स्टेटमेंट यूज करते हैं, उसके बाद में 5 × i, ठीक है, जो i की वैल्यू उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर लूप बॉडी, फिर इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐसे करते हैं। मैंने बताया था कि साइन वैल्यू करते हैं तो हम कॉलन साइन और इक्वल टू यूज करते हैं, तो i कॉलन साइन इक्वल टू i+1, i में एक इंक्रीमेंट किया, उसके बाद में लूप का एंड कर दिया। तो ये है व्हाइल लूप PLSQL में। नेक्स्ट लूप है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप तब यूज किया जाता है जब हम पहले से ही मालूम हो कि ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, उस कंडीशन में हम फॉर लूप यूज करते हैं। इट इज फिक्स्ड रिपीटेशन लूप। इट इज यूज्ड व्हेन वी नाउ इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। जब हम पहले से मालूम हो कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, ऑलरेडी पहले से मालूम हो, उस समय हम फॉर लूप का यूज करते हैं। अब फॉर लूप का सिंटेक्स देखते हैं हम। तो ये फॉर लूप का सिंटेक्स है, पहले फॉर कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद में वेरिएबल यूज करेंगे, जैसे हमने वेरिएबल a यूज कर लिया, ठीक है, उसके बाद में इन मतलब जो वैल्यू है वह इस वेरिएबल में आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में लोअर लिमिट की लूप कहां से चलाना है, और फिर डबल कॉलन लिखेंगे, फिर अपर लिमिट लूप कहां तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद में लूप कीवर्ड, उसके बाद स्टेटमेंट, उसके बाद एंड लूप। जैसे हमने लिखा a वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी और लूप चलेगा 1 से लेके 10 तक, ठीक है। तो जो
पहली बार लूप चलेगा तो जो एक की वैल्यू है कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, ठीक है। और जो भी वन के साथ इसके साथ स्टेप जो ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये लूप कहाँ चलेगा, एक से दस तक चलेगा, ठीक है। तो हमें पहले से मालूम है कि लूप दस टेन टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं। फिर थर्ड लूप है इसमें लूप और एंड लूप। ये नॉर्मल लूप है, ये PLSQL में यूज किया जाता है, ऐसा लूप उसमें नहीं है, सी में सी प्लस प्लस में नहीं है, ठीक है। इट इज, ये भी इसी की तरह लूप होता है, फॉर लूप की तरह होता है, ठीक है। इट इज फिक्स्ड रिपीटेशन लूप इन सेंस दैट द प्रोग्राम नाउ इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। फॉर लूप की तरह ही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इसका सिंटेक्स देखते हैं, इसका इंडेक्स है, पहले लूप लिखते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट्स, उसके बाद में एंड लूप, ठीक है। तो ये नॉर्मल इसका सिंटेक्स है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था PLSQL में हम लूप किस तरह यूज करते हैं और कितने लूप होते हैं PLSQL में, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आई या आपके कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि हमें पता चले कि आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है।